लास्ट टू वीडियोस में मैंने आपको दुकान डॉट पीके का बैकग्राउंड बताया और आई एक्सप्लेन यू द साइड मेन्यू विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी दुकान के मेन डैशबोर्ड पर जितने भी फीचर्स हैं उनको डिटेल में। मेन डैशबोर्ड है दुकान डॉट पीके का और इसमें मैंने आपको ये साइड मेन्यू सारा एक्सप्लेन कर दिया था। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू ऑल दीज फीचर्स जो स्क्रीन के ऊपर है। स्टार्ट हम करेंगे फ्रॉम एड इन्वेंट्री ऑप्शन, जिसको उर्दू में सामान दर्ज करें कहते हैं। व्हेन यू विल क्लिक एड इन्वेंट्री तो आपको ये स्क्रीन शो होगी जिसके ऊपर आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। उसके नीचे एक पिक्चर का बटन बना होगा, एक कैमरा का ऑप्शन बना होगा और नीचे प्रोडक्ट नेम लिखा होगा। अगर तो आप प्रोडक्ट की पिक्चर अपनी गैलरी से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप पिक्चर का जो ये नीचे बटन बना हुआ है इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से आपकी गैलरी खुल जाएगी और आप वहाँ से प्रोडक्ट की पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लाइव प्रोडक्ट की पिक्चर खींचे तो आप यहाँ से डायरेक्टली पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। प्रोडक्ट नेम नेक्स्ट ऑप्शन है। यहाँ पे आपने जो भी आपका प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल अगर आपका फैशन ब्रांड है और इट इज़ सम टी शर्ट तो आप लिख सकते हैं वाइट टी शर्ट, ठीक है, ये प्रोडक्ट नेम हो जाएगा। अगर आपका खाने का ब्रांड है तो आप लिख सकते हैं स्पाइसी बर्गर या इस तरह का कुछ भी, तो ये प्रोडक्ट नाम होगा। इंटरनल प्रोडक्ट इज़ बेसिकली फॉर योर ओन रिकॉर्ड। ये आपकी मेन वेबसाइट पर शो नहीं होगा लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके रिकॉर्ड में रहे तो आप इसको एज अ प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं और इसको इंटरनल प्रोडक्ट मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सेल्स प्राइस की। जिस प्राइस पे भी आप उस प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं उसको सेल्स प्राइस कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका बर्गर 300 रुपीज़ का है तो आप यहाँ पे 300 रुपीज़ 300 लिखेंगे। सेकेंड ऑप्शन इज डिस्काउंटेड प्राइस। डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप फॉर एग्जांपल कोई डिस्काउंट दे रहे हैं 300 का है लेकिन आप 150 में दे रहे हैं तो आप यहाँ पे 150 लिख सकते हैं। सेल्स प्राइस के नीचे आपको एक चेकबॉक्स नजर आएगा कॉन्टैक्ट अस फॉर प्राइस का। अगर आप चाहते हैं कि आपको कस्टमर्स, फॉर एग्जांपल आपका कोई कस्टमाइज प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस आप कॉन्टैक्ट कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू डिस्कस करना चाहते हैं और अपनी प्राइस जो है वो हाइड करना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट अस फॉर प्राइस को क्लिक कर सकते हैं। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो नीचे आपको नंबर फॉर कॉल का ऑप्शन आएगा या व्हाट्सएप का ऑप्शन आएगा। तो इधर यू कैन चूज व्हाट्सएप और कॉल। अगर आप चाहते हैं कि आपको व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करें तो आपकी वेबसाइट पे शो होगा व्हाट्सएप फॉर प्राइस, या फिर अगर आप कॉल का ऑप्शन चूज करते हैं तो वो कॉल फॉर प्राइस का ऑप्शन वेबसाइट पे शो होगा। इसी के नीचे द नेक्स्ट कैटेगरी इज एड डिटेल्स। एड डिटेल्स में सबसे पहली ऑप्शन है कैटेगरी की। इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप कैटेगरीज मेंशन कर दिया करें अपने प्रोडक्ट्स की ताकि फिर आपकी वेबसाइट के ऊपर एक प्रॉपर कैटेगरी वाइज आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्सप्लोर हो सकें। इसमें कैटेगरीज डिफरेंट हैं फ्रॉम ऑटोमोटिव एंड मोटर बाइक टू बेबी फूड है, ब्यूटी एंड हेल्थ, बेवरेजेस, बुक्स, ब्रेकफास्ट एंड बेकरी, ये सारी कैटेगरीज इसमें मेंशन है। आपके प्रोडक्ट की जो भी नेचर है, नोयत है, आप उसके अकॉर्डिंगली कैटेगरी क्लिक कर सकते हैं। इन्हीं कैटेगरीज की फर्दर सब कैटेगरीज भी नीचे दी हुई हैं, उनमें से भी आप कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। कैटेगरी और सब कैटेगरी को मेंशन करना इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल क्योंकि इससे ये फ़ायदा होगा कि आपके जो बायर्स हैं उनके लिए आपके प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करना इजी हो जाएगा। वो डायरेक्टली कैटेगरी पर, उनकी सब कैटेगरी पर क्लिक करके वो प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। अगला ऑप्शन है ऐड डिस्क्रिप्शन का। डिस्क्रिप्शन इज़ ऑलवेज अ प्लस पॉइंट एज वेल फॉर द सेलर्स। अगर आप अपनी प्रोडक्ट की एक डिस्क्रिप्शन लिख देंगे जिसमें आप मेंशन कर दें कि ये प्रोडक्ट इस तरह से बना है या ये इसकी स्पेशलिटी है या जो भी, तो उससे आपके बायर्स जो हैं उनके लिए इजी हो जाएगा उस प्रोडक्ट को समझना और उस प्रोडक्ट को फिर आगे खरीदना। प्रोडक्ट टैग्स आर बेसिकली द कीवर्ड्स जिनकी बेसिस पे जो आपके बायर्स हैं वो आपको सर्च कर सकते हैं, तो आप इसमें जितने भी कीवर्ड्स देना चाहें वो दे सकते हैं अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली। इसी के नीचे लिखा होगा फीचर्ड प्रोडक्ट। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट एज अ फीचर्ड प्रोडक्ट ऊपर विजिबल हो एज योर मेन प्रोमिनेंट प्रोडक्ट, तो आप इसको फीचर्ड प्रोडक्ट में ऐड कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। इसी के नीचे एक चेकबॉक्स है अप्लाई टैक्स का। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स अप्लाई हो तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। इसी के नीचे यू विल सी एन ऑप्शन ऑफ बारकोड। अगर आपके प्रोडक्ट का कोई बारकोड है आप उसको भी ऐड बारकोड को क्लिक करके बारकोड ऐड कर सकते हैं। द नेक्स्ट ऑप्शन इज ऐड स्टॉक एंड कॉस्ट डिटेल्स। इसको आप क्लिक करेंगे तो नीचे फर्दर डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। पहला ऑप्शन होगा स्टॉक का। फॉर एग्जांपल आपका अगर प्रोडक्ट है टी शर्ट, ठीक है, तो अगर आपकी टी शर्ट 50 आपके पास पड़ी है या 100 पड़ी है तो वो आपका स्टॉक है, तो आपने वो नंबर इधर ऐड करना है ताकि फिर जो आपका स्टॉक हो उसके अकॉर्डिंगली आपको ऑर्डर्स आएँ। इसके नीचे आपको ऑप्शन आएगा यूनिट परचेज प्राइस, दैट इज़ द प्राइस फॉर वन पीस। इसके नीचे ऑप्शन है वेरियंट का, दैट इज़ अ वेरी बेनिफिशियल ऑप्शन एंड अ वेरी ब्यूटिफुल फीचर ऑफ दुकान एज वेल, जिसके थ्रू आप डिफरेंट वेरियंट्स अपने प्रोडक्ट के ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी टी शर्ट है उसके मल्टीपल साइजेज़ हैं, आप उन साइजेस को मैंशन कर सकते हैं। अगर आपका खाने का कोई ऑप्शन है, फॉर एग्जाम्पल यू आर सेलिंग चिकन कढ़ाई और वो 1 kg में है, 2 kg में, 3 kg में, तो आप अकॉर्डिंगली वेरियंट्स उसके ऐड कर सकते हैं। एंड इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू साइजेस, आप खुद ही से कस्टमाइज अपने वेरियंट्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई चीज़ प्री ऑर्डर पर लेनी है
तो आप अपने ऑर्डर की डेट मेंशन कर सकते हैं वेरिएंट एज अ वेरिएंट, ताकि फिर अगर किसी ने खरीदना है तो उसको नजर आ जाएगा कि इन इन डेट्स पे ये चीज़ें अवेलेबल हैं और मैं इस डेट को क्लिक करके या इस डेट को क्लिक करके उस डेट पे ये प्रोडक्ट ले सकती हूँ। दैट इज़ मोस्टली इन द केस ऑफ फूड। कुछ सेलर्स होते हैं जो खाना बनाते हैं लेकिन वो प्री ऑर्डर लेना चाहते हैं, तो ये उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद है कि आप एज अ डेट मेंशन कर दें कि इस डेट को ये अवेलेबल है या उस डेट को। सो यू कैन प्ले अराउंड, आप इन वेरिएंट्स के साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं और जो भी आपको सूट करे आप उसके अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हैं। वेरिएंट्स के साथ ऑप्शन है ऐड वेरिएंट्स का, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको पहला लिखा आएगा ऐड ऑप्शन और साथ एक प्लस का साइन बना होगा और नीचे सजेस्टेड ऑप्शंस होंगे साइज़, कलर, स्टाइल, मटीरियल, जो भी है। अगर आपने साइज़ करना है फॉर एग्जांपल, आप साइज़ क्लिक करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट स्क्रीन खुलेगी, इस पर ऐड वैल्यू फॉर साइज़ आएगा। इस पर आपने फॉर एग्जांपल अगर लार्ज लिखना है आप लार्ज लिखेंगे और उसको प्लस क्लिक, प्लस जो बटन है उसे क्लिक करेंगे तो वो लार्ज नीचे ऐड हो जाएगा। आपने ऐड करना है स्मॉल, आप फिर स्मॉल लिखेंगे और प्लस का बटन क्लिक करेंगे, इस तरह लार्ज और स्मॉल ऐड हो गया। अब अगर तीसरा ऑप्शन फॉर एग्जांपल मीडियम है, मैंने ऐड किया है, मैंने मीडियम लिखा है, प्लस क्लिक किया है तो मीडियम भी ऐड हो गया। तीन मेरे पास ऐसे वेरिएंट्स आ गए हैं और इनको मैं अब कंटिन्यू पर क्लिक कर दूँगी। सो साइज़ इज़ द मेन वेरिएंट और उसके नीचे लार्ज, स्मॉल और मीडियम आ गया है। इसको मैं कंटिन्यू करूँगी और ये वेरिएंट एंटर हो गया है। अब इन वेरिएंट्स को मैंने फर्दर एडिट करना है कि लार्ज कितने स्टॉक में अवेलेबल है, स्मॉल कितने में अवेलेबल है, मीडियम, और इनकी प्राइसेस भी ऑब्वियसली डिफर करेंगे तो इनकी प्राइसेस को भी मैंने एडिट करना है। लार्ज को क्लिक किया और फर्दर मुझे नीचे ऑप्शंस आ गई स्टॉक की कि ये स्टॉक कितना अवेलेबल है, मैं इसमें स्टॉक ऐड करूँगी। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 पीसेज अवेलेबल हैं, यूनिट परचेज प्राइस क्या है इसकी, मतलब एक पीस की प्राइस क्या है, तो मैं उस एक पीस की प्राइस एंटर करूंगी इसमें। दैट इज़ ऑल्सो देन अगेन ये आपके अपने रिकॉर्ड के लिए है। इसके नीचे ऑप्शन है सेल प्राइस पर यूनिट, इसमें आपने जो वन पीस की प्राइस है वो मेंशन करनी है, जिस प्राइस पे आप इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं ये आपके कस्टमर्स को शो होगी। इसके नीचे ऑप्शन है पर यूनिट डिस्काउंटेड प्राइस, अगर आप चाहते हैं कि आपने इस प्रोडक्ट पर डिस्काउंट देना तो आप एक डिस्काउंटेड प्राइस मेंशन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप स्पेसिफिक वेरिएंट की पिक्चर्स ऐड करें तो आप पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं वेरिएंट इमेजेस से। देन यू हैव टू क्लिक कॉन्टिन्यू, आपका वेरिएंट एडिट हो जाएगा और इसी तरह जितने भी आपने वेरिएंट्स डाले हैं उनको आप एडिट करेंगे और उनका स्टॉक डालेंगे, प्राइस डालेंगे एंड देन यू विल क्लिक एंटर। यू हैव क्लिक एंटर देन आपका प्रोडक्ट इज़ रेडी और वो आपकी इन्वेंट्री में एंटर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं प्रोडक्ट को चेक करना या अपनी वेबसाइट को चेक करना कि वो प्रोडक्ट कैसा लग रहा है वेबसाइट पर, कस्टमर्स को कैसा लग रहा है, ये लिंक दिया हुआ है सबसे ऊपर आपकी डैशबोर्ड पर, यू जस्ट हैव टू क्लिक दैट और वो ब्राउज़र पे आपकी वेबसाइट खुल जाएगी और आप वहाँ से देख सकते हैं कि आपके बायर्स को आपकी वेबसाइट कैसी दिख रही है। यू हैव एडिड योर इन्वेंट्री, आपकी इन्वेंट्री कंप्लीट अपलोड हो गई है और आप चाह रहे हैं कोई प्रोडक्ट आप एडिट करें या फिर किसी में कोई चेंज करना चाह रहे हैं या फिर इन्वेंट्री अपनी देखना चाह रहे हैं, तो आपके डैशबोर्ड के ऊपर एक ऑप्शन होगा करंट इन्वेंट्री का, आप उसको क्लिक करेंगे। जब आप उसे क्लिक करेंगे तो ऊपर सर्च का ऑप्शन आ रहा होगा, वहाँ से आप प्रोडक्ट डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। नीचे करंट स्टॉक की जितना भी आपका स्टॉक है उसकी प्राइस लिखी आ रही होगी और फिल्टर का ऑप्शन होगा और सॉर्ट बाय का ऑप्शन होगा, आप फिल्टर करके भी अपने प्रोडक्ट्स देख सकते हैं जिसमें ऑप्शन है इन स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक, बेस्ट सेलिंग, इंटरनल, और सॉर्ट बाय में आप जाके लास्ट अपडेटेड और उनके नेम की बेसिस पे सॉर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं बारकोड के थ्रू सर्च करना तो आप सबसे ऊपर जो बारकोड का ऑप्शन है उसको भी क्लिक करके अपना प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। आपने अपना प्रोडक्ट एडिट करना है तो आप प्रोडक्ट को क्लिक करेंगे, जब आप क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर स्क्रीन पर आपको एडिट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आप एडिट को क्लिक करेंगे, जो भी प्रोडक्ट आप अपना एडिट करना चाहते हैं आप उसको क्लिक करेंगे। जब आप उसे क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर लिखा आ रहा होगा प्रोडक्ट इज़ अवेलेबल ऑनलाइन और उसका एक टॉगल बटन होगा। अगर तो वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है और आप उस प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट से हटाना चाहते हैं तो आप उस टॉगल को ऑफ पे कर देंगे और वो प्रोडक्ट भी विजिबल नहीं होगा आपके कस्टमर्स को। फर्दर गोइंग डाउन एडिट और डिलीट का ऑप्शन होगा, अगर तो आप चाह रहे हैं ये प्रोडक्ट ही डिलीट हो जाए आपकी इन्वेंट्री से तो आप इसको डिलीट पर क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसकी कोई ऑप्शन एडिट करना चाह रहे हैं मे बी प्राइस और द स्टॉक और वेरिएंट्स, तो आप एडिट को क्लिक करके प्रोडक्ट को फर्दर एडिट कर सकते हैं। तो आप प्रोडक्ट को एडिट करने के लिए क्लिक करेंगे तो आपको मेन स्क्रीन शो होगी जिस पर प्रोडक्ट की इमेज आ रही होगी, नीचे प्रोडक्ट का नाम आ रहा होगा, उनके वेरिएंट्स आ रहे होंगे और प्राइसेस आ रही होंगी। सो ऑप्शन बाय ऑप्शन जो चीज़ आप एडिट करना चाहते हैं आप वहाँ से उसको एडिट करके सेव कर सकते हैं। इन्वेंट्री में जब आपने प्रोडक्ट ओपन किया तो आपको ये स्क्रीन शो हो रही होगी और यहाँ परचेज हिस्ट्री और सेल्स हिस्ट्री आ रही होगी। परचेज हिस्ट्री में जो भी आपने परचेज प्राइस अपने प्रोडक्ट्स की मेंशन की हुई है उसके अकॉर्डिंगली आपको परचेज हिस्ट्री शो हो रही होगी और सेल हिस्ट्री में जो भी आपकी सेल हो रही है प्रोडक्ट की वो हिस्ट्री शो हो रही होगी। नेक्स्ट ऑप्शन ऑन योर डैशबोर्ड इज़ मेक बिल, जिसको बिल बनाओ भी कहते हैं।
ये भी एक बहुत ही खूबसूरत फीचर है दुकान का, जिसके थ्रू सेलर्स जो हैं एक बिल क्रिएट कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्ट्स जो उनसे वेबसाइट के थ्रू नहीं बल्कि स्टोर से डायरेक्टली खरीदे गए हैं या फिर किसी तरह से उन्होंने अपने बायर्स को बेच दिए हैं वो प्रोडक्ट। तो ये आपके अपने रिकॉर्ड के लिए आप यहाँ से बिल क्रिएट कर सकते हैं और ये आपकी हिस्ट्री में सेव रहेगा। पहले आपने मेक बिल ऑप्शन को क्लिक करना है। जब आप उसे क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। सबसे ऊपर आपको प्लस का ऑप्शन शो हो रहा होगा। इसका बेसिकली मतलब है कि आप मल्टीपल बिल्स एट अ टाइम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अक्सर स्टोर्स के ऊपर जब कस्टमर्स आते हैं तो एक टाइम पे मल्टीपल कस्टमर्स को कैटर किया जा रहा होता है और उनके बिल्स बन रहे होते हैं। इसी तरह से आप मल्टीपल बिल्स एक टाइम पे बना सकते हैं। फर्दर डाउन इज द पिक्चर कैमरा ऑप्शन, वहाँ से आप बिल की पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। आपको दो ऑप्शन शो हो रहे होंगे, स्टोर ऑर्डर और इंटरनल का। अगर तो ये स्टोर ऑर्डर है, आपके स्टोर से किसी ने बाय किया, आप स्टोर ऑर्डर को क्लिक करेंगे। इसमें जो भी प्रोडक्ट नेम आपने अपनी इन्वेंट्री में डाला हुआ है आपने वो एंटर करना है नीचे, या फिर अगर आपने बारकोड के थ्रू डाला है तो आप बारकोड भी स्कैन कर सकते हैं। और नीचे जो शॉपिंग कार्ट बना है दैट इज़ बेसिकली द चेकआउट ऑप्शन, और यहाँ से चेकआउट हो जाएगा और आपका बिल क्रिएट हो जाएगा। अगर तो आपने कोई प्रोडक्ट अपनी इन्वेंट्री में एज एन इंटरनल प्रोडक्ट डाला था जो कि आप चाह रहे थे कि वेबसाइट पर शो ना हो, तो आप उस प्रोडक्ट का बिल अगर बनाना चाह रहे हैं तो आप इंटरनल को क्लिक करेंगे और फिर फर्दर डाउन आपके प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे तो वो सर्च में आ जाएगा। आप प्रोडक्ट को सर्च करेंगे तो आपको ऐसी स्क्रीन शो होगी। इसमें आपने जो भी आपकी प्राइस है या क्वांटिटी है उसको मेंशन करना है और आपने फर्दर इसको चेकआउट पर क्लिक करना है। फिर जो आपने प्रोडक्ट सर्च किया है उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको फर्दर एक स्क्रीन शो होगी जिसके अंदर प्राइस और क्वांटिटी मेंशन होगी। आप क्वांटिटी को एडिट करके या तो उसको एज एन आइटम ऐड कर सकते हैं बिल में या फिर आप वहीं से उसको चेकआउट कर सकते हैं। जब आप चेकआउट क्लिक करेंगे तो चेकआउट स्क्रीन आ जाएगी। इस पर दो ऑप्शन होंगे, काउंटर सेल्स या ऑनलाइन सेल्स के। अगर तो ये काउंटर सेल है मतलब आपके स्टोर से किसी ने खरीदा है तो आप काउंटर सेल्स को क्लिक करेंगे। इसमें फर्दर डाउन आपको कस्टमर मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ रहा होगा। इसमें आप मोबाइल नंबर अपने कस्टमर का डाल सकते हैं। टोटल अमाउंट शो हो रही होगी। नीचे ऑप्शन होगा डिलीवरी चार्जेस का, अगर आपने कोई डिलीवरी चार्जेस ऐड किए हैं वो आप डाल सकते हैं। डिस्काउंट अगर कोई ऐड किया है वो अमाउंट आप डाल सकते हैं। और फिर उसको उसके अकॉर्डिंगली नीचे एक नेट पेएबल अमाउंट बनेगी। और फिर आप नीचे कैश रिसीव्ड लिख सकते हैं। और अगर कोई बैलेंस अमाउंट है तो वो खुद से वो शो हो जाएगी। नीचे ऑप्शन आ रहा होगा खाता कस्टमर का। खाता कस्टमर इज़ बेसिकली अ फीचर जिसके थ्रू अगर आपके किसी कस्टमर ने आपसे उधार लिया है या उन्होंने कहा वो आपको कुछ अरसे बाद उसकी पेमेंट करेंगे तो आप उनको एज अ खाता कस्टमर ऐड कर सकते हैं। खाता कस्टमर में नीचे कैटेगरी होगी ऐड टू कस्टमर्स खाता। ऐड खाता कस्टमर पर क्लिक करेंगे तो आपको एक लिस्ट शो होगी। अगर तो आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं तब वो लिस्ट आपको शो होगी। अगर तो आपको ये अलहदा से एक नया कस्टमर ऐड करना चाह रहे हैं तो आप उसको ऐड पर क्लिक करेंगे। ऐड पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको क्लिक कस्टमर्स पिक्चर आएगा। आप उस पर कस्टमर की पिक्चर ऐड कर सकते हैं, दैट इज़ ऑप्शनल। कस्टमर नेम आएगा, कस्टमर मोबाइल नंबर और कस्टमर एड्रेस। ये सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करके आप अपना खाता कस्टमर ऐड कर सकते हैं। नीचे ऑप्शन होगा सेंड SMS या सेंड WhatsApp का। अगर आप चाहते हैं आपके कस्टमर को नोटिफिकेशन जाए थ्रू मैसेज या WhatsApp के उन्होंने इतनी अमाउंट आपकी देनी है तो आप इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और इस तरह आपका बिल क्रिएट हो जाएगा। चेकआउट स्क्रीन के ऊपर जो दूसरा टैब था दैट वाज ऑनलाइन सेल्स। ऑनलाइन सेल्स को जब आप क्लिक करेंगे तो फिर नीचे आपको शो होगा कस्टमर मोबाइल नंबर, यहाँ से आप उनका नंबर ऐड कर सकते हैं। टोटल अमाउंट शो हो रही होगी, डिलीवरी चार्जेस अगर आपने ऐड किए हैं या डिस्काउंट ऐड किया है वो अमाउंट आप ऐड करेंगे। और फिर आपको नेट पेबल अमाउंट शो होगी। नीचे चेक बॉक्सेस होंगे कन्फर्मेशन के, सेंड SMS या सेंड WhatsApp के। अगर आप कन्फर्मेशन देना चाह रहे हैं अपने सेलर्स को, चेकबॉक्स को आप क्लिक करेंगे, उसके थ्रू आपके कस्टमर को नोटिफाई कर दिया जाएगा। फर्दर डाउन आप प्रोसीड को क्लिक करके अपना बिल क्रिएट कर सकते हैं।